हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं अशोक लीलैंड स्टॉक के बारे में और जानेंगे टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर स्टॉक में क्या सिनेरियो बन सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। मंथली चार्ट पर अगर हम अशोक लीलैंड को देखेंगे तो हमें स्टॉक एक बुलिश ट्रेंड में नजर आएगा। आप देख रहे हैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ओके, यानी कि यहाँ से स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ठीक है। अब बात करें वीकली चार्ट पर। मंथली चार्ट तो स्ट्रांग है लेकिन वीकली चार्ट एक ट्रेंडिंग नहीं है, साइडवेज है। साइडवेज ही कहूंगा मैं। यहाँ से आप देख रहे हैं बिल्कुल साइडवेज है, थोड़ी बढ़ोतरी हुई, साइडवेज, अभी भी साइडवेज ही है। ओके, लेकिन यहाँ से हमें एक सिग्नल मिल जाता है, पॉजिटिव सिग्नल। यहाँ से मिलता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। जरा ये जो निशान है ये हटा देता हूँ, छोटे छोटे निशान है। जी हाँ, हमें लगता है यदि जो नेक्स्ट वीक होगा उस वीक स्टॉक पॉजिटिव सिग्नल के साथ क्लोज हुआ, यानी कि यहाँ से ग्रीन कैंडल पर नेक्स्ट वीक क्लोज हुआ, तो संभावना है स्टॉक में रिकवरी होने की। ओके, नीचे सपोर्ट कहाँ है हमारा? 164 पर सपोर्ट है। ओके, रेजिस्टेंस कहाँ है? 190 पर रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर स्टॉक में रिकवरी हुई तो 190 के साथ साथ स्टॉक लगभग 120 तक जाने की पूरी संभावना है। कितनी? 120 तक स्टॉक जाने की, सॉरी 220 तक, आई एम सॉरी, स्टॉक में 220 तक जाने की पूरी संभावना है। ओके, यहां से रिकवरी होगी तभी हम कुछ सोचेंगे, लेकिन डेली चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो स्टॉक बिल्कुल अपने सपोर्ट पर रेडी है। ओके, सपोर्ट पर स्टॉक रेडी है, वेट करना होगा कि स्टॉक यहां से रिकवरी करता है कि नहीं। यहाँ पे आपने देखा स्टॉक नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर गया ऊपर, फिर से वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। दिस वीक यानी कि आने वाला जो वीक है, इस वीक यदि स्टॉक पॉजिटिव सिग्नल यानी कि ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज होता है तो हमें एक पॉजिटिव सिग्नल मिल जाएगा एंट्री के लिए। एंट्री हमारी कहाँ होगी, अब मैं बात कर लेता हूँ। हम एंट्री लेंगे 178 के ऊपर, ठीक है, 178 के ऊपर हमारी एंट्री होगी। 191 का फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 218 यानी कि 218 का टारगेट होगा। ठीक है, वेट करेंगे जब तक स्टॉक 178 का लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक हम स्टॉक को अवॉइड करेंगे। फ्रेश एंट्री यहां पर होगी हमारी। ओके, और जो ऑलरेडी होल्ड किए हुए हैं वो यहां पे एवरेज भी कर सकते हैं। ओके, और 191 का टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट है, उसको अचीव करिएगा, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लीजिएगा और अपने स्वयं के एनालिसिस के आधार पर स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।